दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है? पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देंगे। ये वायदा भी यहां की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये लोग किसानों के 1 लाख रुपया तक के कर्ज को माफ करने की बात भी कहा करते थे, लेकिन इस वायदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ विश्वासघात ही दिया है। साथियों, मुझे पता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। यहां की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैड़ी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं उनमें से भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था, हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया। हमने दाल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की। हमने सिंचाई के नेटवर्क को सशक्त करने का वादा किया था, वो गारंटी भी हमने पूरी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी भंडारण योजना पर पूरा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बनने वाले हैं उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा। भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। वारंगल सहित इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। पहले की सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। सड़कें हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हमारे ट्राइबल भाई बहन का नंबर सबसे अंत में आता था। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया। हमने आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले। हमने वन उपज के सही दाम देने के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाया। हमने जनधन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के नए साधन तैयार किए। आज आप देख रहे हैं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में 6 लेन के 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, मिशन मोड पर 4G नेटवर्क की सुविधाएं तैयार की जा रही है। आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया के बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बीजेपी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से हटाने के लिए भी अभियान शुरू किया है। साथियों, आजकल कुछ लोग चुनाव से